दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी हॉन्टेड स्क्रिप्ट के बारे में है जो अमेरिका यानी कि हॉलीवुड में लिखी गई है, और जिस किसी एक्टर ने इस स्क्रिप्ट को पढ़ा वो इस दुनिया में जिंदा नहीं बचा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्म्स तो आपने बहुत देखी होगी और कुछ फिल्म्स एक से ज्यादा बार भी देखी होगी, लेकिन आज हम जिस अधूरी फिल्म की बात करने जा रहे हैं वो आप बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करोगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अतुक नाम की एक कर्स्ट स्क्रिप्ट की। इस स्क्रिप्ट पर एक फिल्म बनने वाली थी और जो कोई भी एक्टर इस फिल्म में काम करने को राजी होता और स्क्रिप्ट पढ़ता उस आदमी की मौत हो जाती। हम यहाँ एक या दो लोगों की मौत की बात नहीं कर रहे। इस शापित स्क्रिप्ट ने पूरे 7 लोगों को अपना शिकार बनाया है। उस अभिशाप ने उन सभी एक्टर्स को मार डाला जिन्होंने फिल्म के लीड रोल में दिलचस्पी दिखाई थी। ये फिल्म एक नॉवल पर आधारित थी जिसका नाम था इनकम्परेबल अतुक, जिसे कैनेडियन राइटर मोर्डकाई रिचलर ने 1963 में लिखा था। फिल्म डायरेक्टर नॉर्मन ज्यूसन ने 1977 में पॉपुलर स्क्रिप्ट राइटर टॉड कैरल को इस नॉवल पर स्क्रिप्ट राइटिंग का काम दिया। टॉड कैरल ने इस नॉवल पर स्क्रिप्ट ड्राफ्टिंग शुरू की ये मानते हुए कि इस कहानी में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। नॉवल को एक इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट बनाने में कैरल को 2 साल का वक्त लग गया। काफी एडिटिंग के बाद फाइनल स्क्रिप्ट बनकर तैयार होती है। शॉर्ट में कहानी को कुछ इस तरह समझा जा सकता है। अटुक नाम का एक आदमी कनाडा की पहाड़ियों पर बसे एक गांव में रहता था। एक दिन न्यूयॉर्क से मिशेल नाम की एक खूबसूरत लड़की रियल एस्टेट कंपनी के लिए कुछ विज्ञापनों की शूटिंग के असाइनमेंट पर काम के सिलसिले में अटुक के गांव में आती है। अटुक उसे पसंद करने लगता है और उसके पीछे न्यूयॉर्क पहुँच जाता है। वहाँ वो एक अमीर आदमी के बेटे की जान बचाता है। वो अमीर आदमी और कोई नहीं बल्कि मिशेल की कंपनी का मालिक होता है। वो अटुक को अपनी कंपनी के विज्ञापन सीरीज में काम करने का ऑफर देता है। क्योंकि मिशेल भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा होती है, अटुक ऑफर मान लेता है। लेकिन जब अटुक को कंपनी के मालिक के बुरे इरादों के बारे में पता चलता है तो वो इस प्रोजेक्ट को छोड़ देता है और इन्वेस्टर्स को कंपनी के मालिक की असलियत बताता है। अटुक की ईमानदारी और काम को लेकर वफादारी से सभी इम्प्रेस हो जाते हैं। यही नहीं, अपनी ईमानदारी से वो मिशेल का भी दिल जीत लेता है। टॉड कैरल अपने काम से बहुत खुश थे। उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी ये स्क्रिप्ट जो कोई भी पढ़ेगा वो उस पर कहर बरपाएगी। 1981 में इस फिल्म के लीड रोल के लिए एक्टर कॉमेडियन जॉन बेलुशी को अप्रोच किया गया। जब उन्होंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें बहुत पसंद आई और इस फिल्म को साइन कर लिया। लेकिन 5 मार्च 1982 की सुबह बेलुशी को होटल के कमरे में फर्श पर गिरा पाया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग्स की ओवरडोज से उनकी मौत हुई थी। उस वक्त बेलुशी सिर्फ 33 साल के थे। उस वक्त इसे एक इत्तेफाक मान लिया गया। बेलुशी की मौत की वजह से ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया और यहीं से अटुक के श्राप का जन्म हुआ। 1987 में अमेरिकन डिजिटल प्रोडक्शन कंपनी ने स्क्रिप्ट खरीदी और इसे सैम किन्निसन नाम के एक्टर कॉमेडियन को फिल्म में लीड रोल के लिए ऑफर दिया। किन्निसन ने ऑफर मंजूर तो कर लिया, लेकिन स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने की बात रखी जिसे कंपनी ने खारिज कर दिया और किन्निसन को फिल्म से निकाल दिया गया। इसके कुछ वक्त बाद 10 अप्रैल 1992 को किन्निसन की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मरते समय किन्निसन ने अपने दोस्त की बाहों में दम तोड़ते हुए कहा, I do not want to die, मानो वो किसी अदृश्य इंसान से बात कर रहे हो। और उस अदृश्य शक्ति के कुछ कहने पर किन्निसन शांत हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ओके, ओके, ओके,
किनिसन की उम्र 38 साल थी। ये एक कोइंसिडेंस था या इसके पीछे किसी पैरानॉर्मल शक्ति का हाथ था? इस घटना के बाद लोगों को ये लगने लगा था कि इन मौतों का अटूट स्क्रिप्ट से कुछ ताल्लुक है और कुछ लोग इसे एक इत्तेफाक का नाम देकर भूल गए। 1993 में ये फिल्म के लिए जॉन कैंडी को साइन किया गया और वो भी इस फिल्म को करने में दिलचस्पी दिखाने लगे। उन्होंने भी इस स्क्रिप्ट को पढ़ा और लीड रोल के लिए फिल्म को साइन कर ली। 4 मार्च 1994 को कैंडी एक होटल के कमरे में मृत पाए गए। मौत की वजह थी हार्ट अटैक। उनकी उम्र सिर्फ 43 साल की थी। कॉमेडी राइटर माइकल ओडोनोग्यू ने भी इस स्क्रिप्ट को पढ़ा था और इस पर काम किया था। और कुछ समय बाद 8 नवंबर 1994 को उनकी भी ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। अफवाहों को साइड में रखते हुए 1996 में अमेरिकन प्रोडक्शन कंपनी ने एक बार फिर अटूट स्क्रीन प्ले पर काम करने के लिए एक्टर कॉमेडियन क्रिस फार्ली को लीड रोल के लिए साइन किया। फार्ली ने अपने दोस्त फिल हार्टमन को विलेन के रोल के लिए राजी किया। दोनों ने ही अटूट की स्क्रिप्ट को पढ़ा और इस पे काम करने में दिलचस्पी दिखाई। क्रिस फार्ली की ड्रग्स ओवरडोज से 18 दिसंबर 1997 को मौत हो गई और 1998 में हार्टमन की हत्या उनकी पत्नी द्वारा की गई और खुद को एक कमरे में बंद कर गोली मार ली। लोगों ने हार्टमन की पत्नी को आखिरी बार ये चिल्लाते हुए सुना, हाँ मैंने अपने पति को मारा, हाँ मैंने अपने पति को मारा और मुझे पता नहीं मैंने उसे क्यों मारा। अटूट के कर्स ने पूरे 7 लोगों को अपना शिकार बना लिया था। ये बात मीडिया में आग की तरह फैल गई और इस फिल्म के प्रोजेक्ट को बेहद बदनाम होने की वजह से बंद करना पड़ा। इस शापित स्क्रिप्ट को भी कहीं छुपा दिया गया। हालांकि इस स्क्रिप्ट की कॉपीज आज भी ऑनलाइन अवेलेबल है। उस असली स्क्रिप्ट का क्या हुआ और उसे कहां छिपाया गया, ये एक मिस्ट्री ही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।